नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक यूरोलॉजिस्ट, और आप जानते हैं कि मैं ZSR सर्कमसीजन ज़्यादा करता हूं। आज का वीडियो है कि ZSR सर्कमसीजन कराने के बाद आप अपनी ड्रेसिंग कैसे करें। जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी सर्जन से कंपेयर, और हर पेशेंट को हम ड्रेसिंग समझाते हैं, पर ये वीडियो मेरा कोशिश है कि मेरे जो मरीज़ है जो मेरे पास ओरिजिनल ZSR वर्जन 1 या वर्जन 2 जो भी है ओरिजिनल ZSR कराते हैं, वो घर जाके अपने जो पेनिस की जो सर्जरी हुई है उसका कैसे अच्छे से ख्याल रखे ताकि हीलिंग और अच्छी हो। नॉर्मली जो सर्कमसीजन की हीलिंग है अगर ZSR से हुई है तो 10 से 12 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाती है, पर अगर आप अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे, और ये ड्रेसिंग जो मैं बताऊँगा आपको ये ड्रेसिंग काफ़ी टेस्टेड ड्रेसिंग है, मेरे काफ़ी लंबे अनुभव, जैसे 7 साल हो गए तो काफ़ी लंबे अनुभव में सीखी हुई चेंजेस कर करके ये फाइनल ड्रेसिंग है जो हम मरीज़ों को बताते हैं। मैं चाहता हूँ वीडियो बना के ताकि मरीज़ घर पे भी इसको वीडियो को देख सके और अपनी ड्रेसिंग किट को कैसे यूज़ करना है वो ड्रेसिंग किट के बारे में समझ सके। अगर आपने बाय चांस ओरिजिनल ZSR नहीं कराया है या ZSR किसी सर्जन से कराया है जो फुल्ली ट्रेंड नहीं है, या आपने गलत भी मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है, तो ये ड्रेसिंग आप अपनी नॉर्मल ड्रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे भी आपकी हीलिंग फटाफट होगी, रिंग जल्दी निकल जाएगी और आपको जो एक अच्छी जो एक लुक है वो बहुत जल्दी आएगी। तो पहले हम समझेंगे कि जो ड्रेसिंग किट है और ड्रेसिंग किट में क्या क्या सामान होता है और उसकी क्या क्या ज़रूरत है। तो ड्रेसिंग किट में पहला तो होता है माइक्रोपोर टेप। ये टेप होती है जिसको हम मतलब पेशेंट्स अपने आप लगा सकते हैं। माइक्रोपोर टेप की खास बात क्या है कि ये नॉर्मल टेप नहीं होती, इस टेप के अंदर छेद होते हैं बारीक, तो क्योंकि ये बारीक छेद होते हैं और ये टेप आराम से फट जाती है, मतलब ये टेप को जो पेशेंट है आराम से खोल सकता है, तो इसको एक तो इस टेप को घर पर आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है क्योंकि इस टेप की चिपकाहट बहुत ज़्यादा नहीं होती तो ये कभी भी स्किन को नहीं उखाड़ती, आराम से चिपक जाती है। और ये माइक्रोपोर टेप है, इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स की वजह से क्या है कि जो भी हीलिंग के टाइम पे सिक्रीशंस है या जो यूरिन है वो आराम से बाहर निकल जाता है, पट्टी गीली नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नहा लिए या आपने जैसे पेशाब कर लिया या पट्टी, जैसे माइक्रोपोर पे अगर पेशाब लग भी गया तो वो ये पट्टी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वुंड जो है वो ड्राई रहता है। तो पहली चीज़ तो आपको चाहिए ये पर्टिकुलर टेप जिसको माइक्रोपोर टेप बोलते हैं, ये रॉमसन की भी आती है, ये 3M की भी आती है, कई कंपनीज़ की आती है, ये कई साइज़ में आती है। तो इसकी पतली वाली 1 इंच होती है, ये 2 इंचेस वाली है, तो 2 इंचेस की एक माइक्रोपोर टेप। एक आपको चाहिए गौज़ होता है जो हम पेनिस पे या ड्रेसिंग पे लपेटते हैं, तो ये गौज़ का जो साइज़ है, ये गौज़ का साइज़ है 7.5 × 7.5 सेंटीमीटर्स, 12 प्लाई की, ये 4 पीसेज में आती है, और एक बार में एक जो ये पैकेट है ये नॉर्मली पूरा यूज़ नहीं होता, तो 2 ड्रेसिंग में ये काम कर सकता है। आप देखेंगे हर पैकेट के अंदर अपनी एक गौज़ होती है, ये गौज़ जो है ये आराम से आप देखेंगे खुल जाती है, और इसको आप फोल्ड कर लेंगे अगर तो ये आराम से पेनिस के अराउंड लिपट जाती है। इसकी खास बात क्या है, ये गौज़ आपको अपने शहर में मिल जाएगी, हमारे सर्जरी के बाद मिलती है। इस गौज़ की खास बात क्या है कि ये गौज़ जब पेनिस के ऊपर लपेटेंगे तो एक तो ये सॉफ्ट होती है, आपकी सेंसिटिविटी में हेल्प करेगी, दूसरा है कि ये इसमें अगर वो हाथ लगता है रिंग सेफ रहती है, तीसरा है कोई अगर सिक्रीशन है या अंदर से कोई पानी निकल रहा है या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन निकल रहा है तो ये उसको एब्जॉर्ब करती है, तीसरा है कि अगर आप इसकी 2 लेयर में लगा लें तो काफ़ी अच्छा ये कंफर्टेबल जो है बैंडेज के फॉर्म में करती है। इंपॉर्टेंट है स्टराइल यूज़ करना, कई पेशेंट जो है गंदी गौज़ या गंदा जो रुई होती है वो लगा लेते हैं, ये सब नहीं लगाना, इससे आपकी वुंड ख़राब होगी। आप ये स्टराइल गौज़ मिलेगी मार्केट में, इसका MRP मेरे हिसाब से MRP ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये डब्बे में आती है, आई थिंक ये 15-20 रुपये का एक पैकेट आता है, तो ये गौज़ है नॉर्मली तो ये हमारे क्लिनिक में जो केमिस्ट है वहाँ मिलती है। तीसरा, वुंड पे हमने लगाना क्या है, तो वुंड पे हम मरीज़ को 2 चीज़ें एडवाइस करते हैं। पहला है ये पाउडर, इस पाउडर को बोलते हैं नियोस्पोरिन पाउडर, इसमें बेसिकली 2 एंटीबायोटिक होती है, पॉलीमिक्सिन और बेसिट्रेसिन। ये ड्राई पाउडर होता है, नॉर्मली मरीज़ों को अपने वुंड के ऊपर ड्राई पाउडर लगाने के लिए बोलते हैं ताकि वुंड सूखा रहे और जल्दी से हमारी रिंग जो है वो गिर जाए। और दूसरा हम जो देते हैं पेशेंट्स को वो होता है ये सोफ्रोमाइसिन। सोफ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक क्रीम है। सोफ्रोमाइसिन हम तब लगाते हैं कि जब हमें लगता है डायबिटिक मरीज़ है या जो ड्राई वुंड है उसमें इन्फेक्शन है, तब हम ये क्रीम लगाते हैं, पर नॉर्मली हम छोटी क्रीम ही सोफ्रोमाइसिन है ये मरीज़ को देते हैं। 2 चीज़ें जो आपको अपने पेनिस पे नहीं यूज़ करनी है, एक है बीटाडीन। बीटाडीन जो है नॉर्मली हम सर्जरी के टाइम यूज़ करते हैं, और स्पेशल कंडीशंस में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में जहाँ ड्रेसिंग की हमें रिक्वायरमेंट है
वहाँ हम बीटाडीन प्रेफर करते हैं। जनरल पेशेंट को बीटाडीन अपने पेनिस के वुंड पे नहीं यूज़ करनी। दूसरा है ये सैवलॉन या डेटॉल, बहुत कॉमन है मरीज़ों का कि डेटॉल और सैवलॉन कई बार लगा लेते हैं। आपने आपकी पेनिस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, आपने उसके ऊपर डेटॉल और सैवलॉन नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है। डेटॉल और सैवलॉन से स्किन जल जाती है, वुंड ख़राब हो जाता है, तो आपने इनको कभी भी अपने पेनिस के ऊपर यूज़ नहीं करना। पेनिस को धोना कैसे है, तो उसके लिए हम ये साबुन है जॉनसन बेबी सोप, जिसको मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। जॉनसन बेबी सोप न्यूट्रल साबुन है, माइल्ड है, जलन नहीं होती, पेनिस साफ़ रहता है। तो ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, बार फॉर्म में भी आता है, तो एक जॉनसन बेबी सोप है, ये हम यूज़ करते हैं पेनिस को धोने के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आइटम ये है, वो ये क्या है, ये है आइस पैक, बर्फ़ का पैक। कोई भी सर्जरी होती है, अगर उस पर हम ठंडी सिकाई करें या आइस पैक की सिकाई करें, तो हीलिंग ज़बरदस्त फास्ट होती है। मेरे मरीज़ों में हम सर्जरी के बाद भी आइस पैक प्रेफर करते हैं। अगर मरीज़ आइस पैक, छोटे वाले भी आते हैं जेल पैड फॉर्म में, लिक्विड वो वाले इलेक्ट्रिक वाले भी आते हैं, नहीं तो सिंपल जो है बर्फ़ फ्रिज से ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आइस पैक को, अगर जो ये आइस पैक है, अगर इस आइस पैक को आप अपने हीलिंग वाले पेनिस पे, आप डायरेक्टली नहीं रखना है, नॉट टू गिव डायरेक्टली, इसके बीच में एक कपड़े का लेयर रखना है और इसको पेनिस पे रखना है आपको सोते हुए, तो उससे क्या होगा, आइस से स्वेलिंग नहीं आएगी, इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा, पेनिस जल्दी हील होगा, रात को आपको इरेक्शन नहीं आएंगे। सर्कमशन के बाद कई बार इरेक्शन आते हैं, आइस पैक लगने से इरेक्शन नहीं होंगे, ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो कितने फ़ायदे हैं, स्वेलिंग नहीं आई, ब्लीडिंग नहीं हुई, इन्फेक्शन नहीं हुआ, इरेक्शन नहीं आए, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। और आइस पैक से हमेशा, तो पेशेंट को दिन में 2 या 3 बार आइस पैकिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अब जो हम ड्रेसिंग के जो है वो स्टेप्स, तो ये आपने 4-5 सामान अपने बेसिकली ड्रेसिंग किट में आपके होते हैं, दवाइयाँ भी होती है, जल्दी हीलिंग कराते हैं हमने मरीजों को, ZSR के बाद दवाइयाँ देते हैं, वो दवाइयाँ हमारी प्रोप्राइटरी दवाइयाँ है जो मैंने मतलब 3 साल से सीखी है, वो मैं आपको नहीं बता रहा, पर ये ड्रेसिंग है। आप ड्रेसिंग कैसे करेंगे उसकी बात है, हम लेके चलते हैं कि आपने मेरे यहाँ सर्जरी कराई है, सर्जरी में हम जो पहली ड्रेसिंग है वो अगले दिन खोल देते हैं आपकी। जैसे पहली ड्रेसिंग हमने शाम को सर्जरी करी तो ओवरनाइट रखते हैं, वो बड़ी सेफ्टी ड्रेसिंग हम करके भेजते हैं, उसमें हमारा तरीका करने का। अगले दिन आपने जो है मॉर्निंग में ड्रेसिंग खोल दी, ड्रेसिंग खोलने के बाद हम जो है पेशेंट की ड्रेसिंग खोलते हैं, तो उसका पेनिस होता है या उसकी रिंग होती है, कोई स्वेलिंग कोई ब्लीडिंग कुछ नहीं होती। और उसके बाद आपको, अब उसके बाद क्या करना है, मतलब डे 0 आपकी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद आप घर चले गए, अगले दिन मॉर्निंग में आए हो, आपने ड्रेसिंग करा ली, अब यहाँ पर रिंग है, ये पेनिस है, अब अपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि सर नहाए कैसे, पेशाब करने में कोई दिक्कत नहीं आती, यूरिन का होल सामने है, रिंग यहाँ पर है, पेशाब आराम से आता है। पेशाब नॉर्मली आदमियों का स्टराइल होता है, अगर पेशाब सपोज़ आपके कपड़ों पर लग भी रहा है या आपकी जो ड्रेसिंग पर लग भी रहा है, घबराए ना, पेशाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक टिश्यू पेपर रखें, पेशाब आए तो उसके ऊपर डैप कर लें, घिसना नहीं है, रगड़ना नहीं है। सेकंड, आपको क्या हर बार पेनिस धोना है, नहीं धोना, हम बोलते हैं पेशेंट को 3:1, मतलब 3 दिन उसको अपने पेनिस को ड्राई रखना है और 1 दिन उसने अपने पेनिस को धोना है। नहा सकते हैं, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। नहाने में क्या ध्यान रखना है कि जब नहाए तो एक वो आता है एलुमिनियम फॉयल, जिसमें रोटी रैप होती है, नहाए तो अपने लिंग के एलुमिनियम फॉयल लगा ले, नहा के फॉयल को निकाल दे, पेनिस ड्राई रहेगा, तो आप अगले दिन से नहा सकते हैं पेनिस को एलुमिनियम फॉयल से रैप करके। 3 दिन आप ड्राई रखेंगे, 1 दिन आप उसको धोएंगे। धोएंगे किससे, ये जॉनसन बेबी सोप से, इसको धो के अच्छे से साफ़ करके, आपके पास हेयर ड्रायर होगा, हेयर ड्राई कर लो, नहीं तो लेट जाओ पंखे के नीचे ताकि पूरी तरह सूख जाए। वुंड को सूखा रखना, ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई से वुंड जल्दी हील होता है, सेंसिटिविटी कम होती है, जो हमारे ग्लांस के ऊपर हमें प्रोटेक्शन वाली लेयर है वो जल्दी बनती है। ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद आपने उसके ऊपर क्रीम यूज़ नहीं करनी, पाउडर यूज़ करना है। तो दिन में 2 या 3 बार तो आप पाउडर छिड़केंगे, नहाने के बाद छिड़क लिया पाउडर ड्राई, अगर ड्राई नहीं करेंगे तो पाउडर चिपक जाएगा। तो आपको जैसे पहले तीन दिन आपको धोना नहीं है, आपको बस दिन में 2 या 3 बार टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लेना है। टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला भी कर सकते हैं स्लाइटली अगर चाहो तो, नहीं तो टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद ड्राई पाउडर लगा दिया। 3rd डे पे जो आप नहाओगे, नहाने के बाद आपने उसको ड्राई कर लिया, फिर पाउडर लगा लिया, फिर अगले 3 दिन उसको ड्राई रखना है, सुबह शाम पाउडर लगाना है, और फाइनली 3+1 करोगे तो टोटल 12 दिन हो जाएंगे। 3 दिन ड्राई, फिर 1 दिन धो गया, फिर 3 दिन ड्राई, फिर 1 दिन धो दिया, तो 12वें दिन तक नॉर्मली रिंग निकलनी शुरू हो जाती है। कुछ अब जब पाउडर लगाओगे, पाउडर लगाने के बाद आप ये साफ़ गौज़ को, पाउडर लगाया है, साफ़ गौज़ को आपने लपेट लिया, इस साफ़ गौज़ को लपेटने से क्या रहेगा कि ग्लांस कवर्ड रहेगा, सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, जल्दी हीलिंग होगी। एक हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि पेनिस को नीचे की बजाय
ऊपर की ओर रखने के लिए। पेनिस को ऊपर रखेंगे, ऊपर रख के या तो आप इस पर माइक्रोपोर टेप लगा सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से रुमाल रख के टाइट अंडरवेयर पहन सकते हैं। पेनिस ऊपर रहेगा तो स्वेलिंग नहीं आएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, जल्दी हीलिंग होगी। ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट स्टेप पे कि भाई हमने ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो ड्रेसिंग करने में कई पेशेंट ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर पाउडर लगाते हैं, पेनिस की स्किन को छेड़ते नहीं है। आपका सर्कमसिजन पार्शियल हुआ है या टोटल हुआ है, स्किन को पूरा पीछे करना है, घूमड़ को पूरा बाहर निकालना है, और जो ये रिंग है इस रिंग को अच्छे से एक्सपोज करना है। एक्सपोज करके रिंग पे हल्के हाथ से रिंग की मालिश करनी है। आपको डर लगेगा, डरना नहीं है, कोई दर्द नहीं होता। आप रिंग को जब हल्के हाथ से मालिश करेंगे तो रिंग जल्दी निकलेगी, जो उसके अंदर के स्टेपल्स है वो कभी चिपकेंगे नहीं, और आपकी हीलिंग और फास्ट होगी। कई बार क्या है, पेशेंट जो है स्किन को आगे रखते हैं, स्किन को पीछे नहीं करते, उस कारण से स्किन में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से फिर प्रॉब्लम आती है। तो स्वेलिंग की अगर, वैसे तो हमारे पेशेंट्स के जो भी अटेंडेंट्स है ये ऑन कॉल पर रहते हैं, पर ये आपको करना है। अब आ गई बात 12वें दिन। 12वें दिन तक नॉर्मली रिंग निकल जाती है, 15 डे तक नॉर्मली जो है सारी हीलिंग होके बिल्कुल बढ़िया सा जो एक वुंड है वो बन जाता है। अब किस सूरत में हम बीटाडीन या सेवलॉन यूज़ करें, कोई भी सूरत नहीं है। आपने अपने पेनिस के ऊपर बीटाडीन या सेवलॉन या डेटॉल कभी भी यूज़ नहीं करना है, जॉनसन बेबी सोप मैक्सिमम। कुछ एक्स्ट्रा ऑइंटमेंट्स है, जैसे अगर स्वेलिंग आ जाए तो उसके लिए अलग ऑइंटमेंट्स होते हैं, अगर सपोज ब्लीडिंग वगैरह उसके अलग ऑइंटमेंट्स होते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। पर यूजली जो ओरिजिनल ZSR है उसमें ना तो ब्लीडिंग होती है और ना स्वेलिंग होती है, और हीलिंग ज़बरदस्त स्पीड से होती है। तो इस पूरे जो मैंने ड्रेसिंग का आपको बताया सीक्वेंस, तो समझ लीजिए कि फिर से 3 दिन ड्राई 1 दिन वेट धोना है जॉनसन बेबी सोप से। इसको आपने ऊपर की तरफ रखना है, इसकी आइस पैकिंग करनी है, पंखे के नीचे सुखाओगे तो जल्दी हीलिंग होगी। इस पर आपने ड्राई पाउडर यूज़ करना है, पाउडर यूज़ करके आपने इसके अराउंड गौज लपेट के चाहो तो माइक्रोपोर लगा लो, चाहो तो माइक्रोपोर मत लगाओ। और इस तरीके से अगर आप ड्रेसिंग करेंगे तो आपका ZSR ओरिजिनल सर्कमसिजन बहुत जल्दी ठीक होगा, रिंग बहुत जल्दी निकलेगी, आपकी सेंसिटिविटी बहुत जल्दी चले जाएगी, आपका जो पेनिस है वो हेल्दी रहेगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे, और आपको अपने ये ओरिजिनल ZSR कराने का बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने मुझसे सर्जरी कराई है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने दिए गए इमरजेंसी नंबर से कॉल कर सकते हैं, हमेशा आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई और, आपने सर्जरी मुझसे नहीं कराई है, आपने कहीं और कराई है और आप ड्रेसिंग से परेशान हैं, या डॉक्टर ने आपको ड्रेसिंग नहीं समझाई है, तो मेरे क्लिनिक पे मेरे जो स्टाफ है वो आपको भी ड्रेसिंग समझा देंगे, उसका एक छोटा सा चार्ज लेंगे, पर आपको ड्रेसिंग अच्छी से करवा भी देंगे और आपकी हीलिंग फास्ट भी करा देंगे। और अगर आपने कहीं गलत जगह करा लिया है और आपको अपना मनपसंद रिजल्ट नहीं मिला है, उस दाग आ गए हैं, निशान ख़राब हो गया है, रिंग निकली नहीं है, गलत साइज यूज, आजकल नौसिखिए बहुत कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो गई है, तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मैं बहुत सारे ZSR जो ZSR के नाम पे जो गलत सर्जरीज हुई है उनको रिवाइज़ करता हूँ। ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2 या 3 मरीज़ ऐसे हैं जिनको बाहर सर्जरी हुई है, प्रॉब्लम आई है, वो मेरे क्लिनिक पे आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। तो घबराइए मत, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट।